हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3rd हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। SBPD पब्लिकेशन के बुक से, डॉक्टर SK सिंह के बुक से। बोलता है अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला है आपका अर्जुन, अर्जुन ने 80,000 से बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, तो कैश यहाँ पे प्लस हो जाएगा 80,000 और कैपिटल भी यहाँ प्लस होगा 80,000 से। आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो रहेगा। चलिए न्यू इक्वेशन, 80,000 कैश बिजनेस में, आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो और 80,000 का कैपिटल। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फॉर कैश 30,000। थर्टी थाउजेंड का गुड्स परचेस किया है बिजनेस ने, तो बिजनेस में गुड्स आया और कैश गया। क्या आया? गुड्स आया और कैश गया। तो क्या प्लस होगा? बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, तो स्टॉक प्लस होगा, और क्या गया? कैश गया, तो कैश माइनस होगा। यही है ना? तो गुड्स आया तो स्टॉक बढ़ेगा बिजनेस का, तो स्टॉक में प्लस करेंगे 30,000, और क्या चला गया? कैश चला गया, तो माइनस करेंगे कैश 30,000। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इससे कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा। आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ता अगर यही गुड्स उधार में खरीदा गया होता, तो क्रेडिट पे खरीदा गया होता, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसे चुकाने होते तो क्रेडिटर्स बढ़ता। कौन बढ़ता? क्रेडिटर्स बढ़ता, तो स्टॉक बढ़ता अगर उधार में खरीदते तो, और क्या बढ़ता?
आउटसाइड लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर भी बढ़ जाता, लेकिन फिलहाल कैश में 25 किया गया है, इसीलिए स्टॉक तो बढ़ेगा ही लेकिन कैश माइनस होगा और कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। न्यू इक्वेशन प्लस 50,000 का कैश है और 30,000 रुपये का स्टॉक है बिजनेस में, वही आउटसाइड लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है और कैपिटल है 80,000। तो 80,000 उधर भी और 80,000 इधर भी मैच कर रहा है बिल्कुल। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्टिंग है ₹20,000 है ना, क्या है कॉस्टिंग आपका 20,000 कॉस्टिंग है, तो सामान कॉस्टिंग हो गया आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 और कितने में बेचा गया है इसको, तो एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो सामान बेचा गया है, कहीं भी ये कहा गया है कि कैश में बेचा गया है या क्रेडिट में बेचा गया है, नहीं, तो क्रेडिट में बेचा गया ये तो नहीं कहा गया है, साथ ही साथ किसी का नाम भी नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश में है, यानी सामान जिसको भी बेचा गया है वो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है कि किसको बेचा गया है, तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन कैश में है, मतलब सामान किसको बेचा गया ये तो बता ही नहीं रहा है और ये भी नहीं कहा गया है कि क्रेडिट पे बेच रहा है, तो ना ही किसी का नाम है और ना ही ये कहा गया है कि क्रेडिट में यानी उधार में बेचा गया है, तो इसका मतलब कि ये कैश में बेचा गया है, तभी किसी का ना ही नाम लिखा है और ना ही ये लिखा है कि उधार यानी क्रेडिट में बेचा गया है। तो देखिए अब किसी को तो बेचा गया होगा, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है किसको बेचा गया, क्योंकि कैश में बेचा गया है तो बिजनेस में कैश आ गया, लेकिन किसी कस्टमर को तो बेचा गया होगा, तो यहाँ पर सामान बेचा गया, बिजनेस में कितने का सामान यानी स्टॉक है जिसको अभी बेच सकते हैं, तो वो है आपका 30,000 का। तो स्टॉक कितने का मेंटेन है बिजनेस में, प्लस स्टॉक जो मेंटेन है वो 30,000 का है, ठीक है, इसमें से कितना जो है वो सामान निकला, तो निकल गया 20,000 के कॉस्ट का, ये भी कॉस्ट पर है और 20,000 के कॉस्ट का सामान निकला, तो अब बिजनेस में कितना बचा 10,000 का सामान, तो अगर 20,000 का निकल गया कॉस्ट का तो यहाँ से हम 20,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो देखिए कितना बचा आपका यहाँ पर प्लस 10,000 बिजनेस के अंदर स्टॉक बचा, ठीक है, लो इसको हम पहले ही ये कर देते हैं, कितने का स्टॉक बचा प्लस 10,000 का स्टॉक बचा, ठीक है, अच्छा 20,000 का सामान ये तो कॉस्ट प्राइस पे है, 20,000 कॉस्ट पे है, बोलता है 25% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 20,000 का 25% आपका आएगा 5,000 रुपये, यही आपका प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 25,000, यानी कितने में इसको बेचा गया 25,000 में बेचा गया, तो ये बिजनेस को कितना पैसा देगा 25,000, तो बिजनेस में कितना कैश आया, कैश आया 25,000, तो यहाँ पर 25,000 कैश में ऐड कर दिए, बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ 5,000 का, तो प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, हम प्रॉफिट को कहाँ ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, कैश आया ना तो ऊपर में करेंगे 25,000, ठीक है, तो अब कैश कितना हो गया बिजनेस में वो देख लीजिए 75,000 75,000 का,
प्रॉफिट हुआ 5,000 का, इससे आउटसाइड लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगा प्रॉफिट से, तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल है वो हो जाएगा आपका 85,000 रुपीस। देखिए 75,000 प्लस 10,000 85,000 और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी आपका देखिएगा तो 85,000 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच कर रहा है और आपने ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड किया। बिजनेस से स्टॉक कितने का गया, यानी गुड्स कितने का गया एट कॉस्ट 20,000 का, तो 20,000 से स्टॉक माइनस कर दिए। सामने वाले को बेचा गया तो इसको कितने में बेचा गया, तो 20,000 और प्लस 5,000 यानी 25,000 में बेचा गया। तो ये बिजनेस को कितना कैश दिया है, 25,000, तो 25,000 ऐड कर दिए कैश में। अच्छा प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, तो हम यहाँ क्या कर दिए कैपिटल में प्लस कर दिए 5,000 रुपये। ठीक है चलिए, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। ट्रांजेक्शन नंबर 4, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 5,000। कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 5,000। 5,000 का क्या किया गया है, यहाँ पर प्राइवेट यूज़ करने के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए कैश को विड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो जब ऑनर कैपिटल लाता है तो कैश भी प्लस होता है और कैपिटल भी, यानी ऑनर जो भी लगाता है इसमें आपका एसेट में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा। एसेट में अगर कैश लाता है तो कैश प्लस होगा और कैपिटल प्लस होगा। उसी तरीके से अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है, अगर मान लीजिए कैश निकालता है तो कैश माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। ठीक है, कैपिटल तो माइनस होगा ही, अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स निकाल के चला जाता है ऑनर, तो स्टॉक माइनस होगा कैपिटल माइनस होगा। स्टॉक और गुड्स दोनों निकालता है तो यहाँ पर कैश और स्टॉक दोनों माइनस होगा और दोनों जोड़ के कैपिटल माइनस होगा। फिलहाल अभी कैश निकाला है तो कैश माइनस होगा, और ऑनर निकाल लिया है तो जाहिर सी बात है उसका कैपिटल तो घटेगा ही। जब लगाता है तो कैपिटल बढ़ता है, तो जब निकालेगा तो कैपिटल घटेगा। तो जब विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश 5,000, तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस। इस ट्रांजेक्शन का स्टॉक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आउटसाइड लाइबिलिटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनल इक्वेशन, कैश हो गया आपका 70,000, 10,000 का स्टॉक हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो हो गया और 80,000 का आपका यहाँ पर कैपिटल हो गया। तो 70 और 10 यहाँ पर हो गया आपका 80,000 और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी आपका 80,000 हो गया। तो इक्वेशन बिल्कुल मैच किया यहाँ पर, आप चाहो तो इससे बैलेंस शीट भी यहाँ पर बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14-20 में हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट आप इसमें प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14,
पहला कहता है आपका, जो गोविंद है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और गोविंद जो है वो बिजनेस में कैश लाया और मशीन लाया, तो गोविंद पहला है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और मशीनरी, दो चीज़ लाया है, कैश और मशीन। कैश लाया है आपका 70,000 का और मशीन है आपका 50,000 रुपये का। इससे बिजनेस स्टार्ट किया है गोविंद ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गोविंद ने बिजनेस में क्या क्या लाया है, तो गोविंद ये है बिजनेस का ऑनर, ये जो भी लगाएगा इससे कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। तो दो चीज़ लगाया है इसने, एक तो बिजनेस में लेकर के आया है कैश 70,000 का, और दूसरा लेकर के इसने आया है मशीन। तो 70,000 का कैश लेकर आया है और मशीन जो लेकर आए हैं वो है आपका 50,000 का। तो गोविंद ने लगाया है तो गोविंद का कैपिटल बढ़ जाएगा 70 और 50, यानी 1,20,000 से प्लस कर देंगे, 70,000 प्लस 50,000 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या बढ़ेगा, एसेट में क्या बढ़ा, तो एसेट में एक तो कैश आया है तो कैश इंक्रीज करेगा 70,000 से, और क्या इंक्रीज करेगा, मशीन आया तो मशीन इंक्रीज करेगा 50,000 से, ठीक है। बाहर से तो कुछ लगाया नहीं गया है पैसा, तो आउटसाइड लायबिलिटी आपका ज़ीरो रहेगा। तो ऑनर जो भी लगाता है बिजनेस में उसके कैपिटल का हिस्सा बन जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों को जोड़ के कैपिटल में लिख दिए। चलो, और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर ऑनर मान लो 1,20,000 का कैश भी लेके आता, मान लेते हैं अगर 1,20,000 का कैश ही लेकर के आता, तो देखिए अल्टीमेटली मशीन तो खरीदना पड़ता क्योंकि मशीन का रिक्वायरमेंट था ही बिजनेस में, तभी तो ऑनर लेकर के आया ना। अगर यहाँ पे मान लो कि ऑनर लेकर के आता कैश और वहाँ पे कैपिटल बढ़ गया, अब सेकंड में क्या करता, सेकंड में यही करता कि भाई लो कैश घटा और फिर मशीन 50,000 से बढ़ा, बिजनेस को परचेस करता। कौन परचेस करता मशीन, बिजनेस परचेस करता। तो अभी क्या किया, अभी ऑनर ही जो है वो सीधा सीधी लेकर के आ गया मशीन, है ना, मशीन लाना ही था तो कैश लेकर के आ गया और मशीन लेकर के आ गया। अगर कैश देता बिजनेस को ऑनर 1,20,000 कैश देता, तो बिजनेस फिर मशीन खरीदता, तो कैश फिर माइनस होता और मशीन प्लस होता, यही होता ना, कैश घटता और मशीन बढ़ता। इसीलिए क्या किया, सीधा सीधी ऑनर ही यहाँ पर लेकर के आ गया 70 और 50। न्यू इक्वेशन, बिजनेस में कैश कितना है 70 और मशीन कितना है 50, जो कि बराबर है आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के 1,20,000। इसके आगे सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 32,000, गुड्स परचेस किया गया है क्रेडिट पे 32,000 रुपीज़ का, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 32,000, 32,000 का जो है वो सामान यहाँ पे परचेस किया गया है, उधार में परचेस किया गया है, क्रेडिट में परचेस किया गया है, क्या बनेगा। बिजनेस ने गुड्स परचेस किया तो गुड्स आया यानी स्टॉक बढ़ेगा, प्लस कर देते हैं स्टॉक कितने से बढ़ेगा, तो 32,000 खरीदा गया तो 32,000 से बढ़ेगा। कैश जाता तो कैश माइनस करते हैं, लेकिन कैश तो गया नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर में जिससे भी खरीदा गया है उसको पैसा बिजनेस को देना पड़ेगा नियर फ्यूचर में, तो क्या किसको देना पड़ेगा, लेनदार यानी क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, है ना। तो क्रेडिटर्स यानी बिजनेस का एक आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया, आउटसाइड लायबिलिटी का नाम क्या है,
तो यहाँ पे नाम है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा 32,000 से, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा किसी भी कीमत पे, चाहे कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में खरीदें, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। पैसा अगर जाएगा बिजनेस से, पेमेंट होगा, तो 32,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के पास फिलहाल अभी सफिशियंट कैश है पेमेंट करने के लिए। 32,000 खरीदा है तो 32,000 70,000 कैश है, पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं किया गया, कुछ बिजनेस ने सोचा होगा कि जो है अभी उधार में खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस कैश का इस्तेमाल कहीं और करेंगे, तो इसने उधार में खरीद लिया, तो क्रेडिटर क्या हुआ, बढ़ गया। ये होगा आपका इफेक्ट पड़ेगा। इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मशीन पे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सब जीरो होगा। न्यू इक्वेशन बताइए, कैश कितना है, 70,000, 50,000 का मशीन है, क्रेडिटर्स स्टॉक 32,000 का है, क्रेडिटर जो है आपका वो भी 32,000 हो गया, और कैपिटल हो गया 1,20,000, तो 1,52,000 उधर भी और 1,52,000 इधर भी, देख लीजिए। मैच कर रहा है इक्वेशन। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, और कितना पेमेंट किया गया है, 30,400 रुपया पेमेंट किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर और कितना पेमेंट किया गया है, 30,400, इन फुल सेटलमेंट फीस है आपका 30,400। चलिए देखते हैं, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना था, बिजनेस को पेमेंट करना था आपका 32,000 रुपीस, लेकिन बिजनेस से एक्चुअली में कैश कितना गया, बोला कि फुल सेटलमेंट कर दिए, फुल सेटलमेंट का मतलब क्रेडिटर जो था यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 32,000 का क्रेडिटर था और इसको 32,000 रुपया ही लेना था, लेकिन बिजनेस बोला कि नहीं नहीं हम जो है 30,400 से ज़्यादा नहीं देंगे, इतना ही पेमेंट करेंगे, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। क्रेडिटर भी था, पेमेंट मिल रहा था, बोला ठीक है इतना ही दे दो पैसा, बाकी का पैसा मत दो। तो देखिए बिजनेस ने कितना दिया, बिजनेस से कितना कैश गया, तो कैश जो बिजनेस से निकला वो 30,400 गया, बिजनेस से कैश कितना गया, 30,400, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 30,400, जितना गया कहीं ना माइनस करिएगा, तो 30,400 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिए, बताइए तो कैश कितना बचा, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 39,600 रुपये, यही बचा कैश। अच्छा तो अब कितना रिमेनिंग बचा, वो कह रहे हैं 39,600 रुपया, तो 30,400 कैश चला गया पहली बार, ठीक है। अब क्रेडिटर को यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी तो घट गया, कितना माइनस करेंगे, 30,400 से माइनस करेंगे या 32,000, देखिए यहाँ लिखता क्या है, बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का यहाँ पर ये मतलब होता है कि अब जो है बिजनेस वो 30,400 से ज़्यादा नहीं देगा, कितना नहीं देगा, 30,400 से ज़्यादा बिजनेस नहीं देने वाला है कैश यहाँ पर, इसका मतलब क्रेडिटर पूरा घट जाएगा 32,000 से। अब देगा ही नहीं तो क्रेडिटर कितने से घटाएंगे आप, 32,000 से देना ही नहीं है, तो 32,000 लिखा था पूरा ख़त्म कर देंगे, जबकि कैश कितना गया 30,400। तो बताइए कि यहाँ पर बिजनेस को प्रॉफिट कितने का हो गया, यानी कितना कम देना पड़ा, तो 1,600 रुपये, यही बिजनेस को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और जो भी फ़ायदा होता है, जो भी लाभ होता है बिजनेस को, वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर हम कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना,
1600 रुपया। ठीक है, बोलिए। हाँ जाना। तो देखिए इधर भी माइनस में है 30,400, माइनस कर दिए 32,000 और प्लस कर दिए 16। तो अगर देखा जाए तो माइनस और प्लस, इधर भी 30,400 है, यहाँ भी माइनस में 30,400 है। क्वेश्चन तो टैली करेगा ही करेगा। चलिए क्या बनता है क्वेश्चन, इसको हटाते हैं पहले। कैश जो हो गया 39,600 हो गया, 50,000 का स्टॉक हो गया, ना सॉरी 50,000 का मशीन हो गया, स्टॉक हो गया 32,000 का, क्रेडिटर हो गया 0, ख़त्म हो गया, अब कोई पेमेंट नहीं करना है, और कैपिटल हो गया 1,21,600 रुपये का, है ना। ये हो गया अपना। अब एक बार अकाउंटिंग क्वेश्चन है, मैच करके देख लो। 39,600 रुपये प्लस कर देंगे 50,000, प्लस कर देंगे 32,000, तो ये हो गया 1,21,600, और उधर भी 1,21,600। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहा है यहाँ पर 600 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 600 रुपये। क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट। देखिए ये ऑनर है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो ऑनर है, ऑनर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है गोविंद, तो ये गोविंद है जो कि बिजनेस का ऑनर है। ये दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जब बिजनेस क्या करता है, ऑनर जो बिजनेस को देता है, क्या देता है, कैपिटल देता है, ठीक है। और चूंकि अलग अलग है दोनों, तो कैपिटल देता है बिजनेस को कि बिजनेस जो है इससे चले, बिजनेस अपना जो फंक्शन है वो करे अपना। तो ऑनर ने क्या दिया, कैपिटल। अब चूंकि दोनों अलग है तो ऑनर बोलता है बिजनेस से कि तुम बदले में हमको क्या दो, इंटरेस्ट दो। क्योंकि दोनों अलग है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है ऑनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से कैश भी माइनस होता है, और क्या माइनस होता है, यहाँ पे कैपिटल भी माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस यहाँ पर है जिससे सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा, कैपिटल माइनस होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है ये मिलेगा किसको, गोविंद यानी ऑनर को, और ऑनर के हाथ में तो जाके नहीं देगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रहे हैं। एक्सपेंस है तो यहाँ पर कैपिटल माइनस होगा, हाँ या ना, ठीक है। पहला कंडीशन एक्सपेंस है तो माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा रहे हैं, ड्राइंग्स नहीं, इसके बाद ड्राइंग्स समझाएंगे। तो माइनस कर दिया एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हम पीएल में इसको डेबिट करेंगे सोल प्रोप्राइटर के, और इसके बाद क्या करेंगे, तो पीएल में डेबिट कर देंगे इसको, और फाइनली इससे प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा। तो यहाँ पर माइनस कर दिए पहला एक्सपेंस के कारण। दूसरा, ये मिलेगा किसको, ऑनर को, और ऑनर को मिलेगा तो क्या ऑनर के हाथ में मिलेगा, बताइए कि आपका जो बैंक में इंटरेस्ट आता है सेविंग अकाउंट पे या फिर एफडी पर जो इंटरेस्ट आता है, क्या बैंक वाले आपके हाथ में देता है, नहीं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। उसी तरीके से गोविंद का बिजनेस में कौन सा अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट है, और यहीं पर प्लस भी हो जाएगा, यानी ये इंटरेस्ट गोविंद को मिलेगा लेकिन इससे कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। तो एक्सपेंस था तो एक बार माइनस किए, और चूंकि ऑनर को ही मिलेगा कैपिटल में ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक बार एक्सपेंस होने के माइनस करेंगे, एक्सपेंस होगा इसलिए माइनस करेंगे, और एक बार प्लस कर देंगे क्योंकि ये ऑनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये समझना है बात, ठीक है। तो एक बार माइनस, एक बार प्लस। अब क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में समझाएंगे, हालांकि यही पूरा डिटेल है लेकिन फिर भी आएगा, वहाँ पर कभी क्वेश्चन आएगा तो उसको और समझा देंगे पूरा। अब देखिए चूंकि दोनों अलग अलग है, यहाँ पर
तो अब मान लो कि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है, कैश निकाल लिया मान लो, तो बोलता है बिजनेस के तुम भी हमको इंटरेस्ट दो। तो ये हो गया आपका ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला पैसा, तो बदले में जो भी ड्राइंग्स हुआ, मान लो कि आपका 6,000 का ड्राइंग्स किया गोविंद ने, तो इस पर बोलता है कि 10% का इंटरेस्ट दो, बिजनेस बोलता है कि 600 रुपया इंटरेस्ट दो। तो ये बिजनेस को मिला इंटरेस्ट किसके ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस को यहाँ पर 600 रुपये मिला। तो ये बिजनेस के लिए अब एक्सपेंस नहीं है, है ना, ये निकाला तो बदले में बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, तो ये बिजनेस के लिए इनकम है। और अगर इनकम है तो इनकम से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, है ना, इनकम से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पैसा जो है, जो बिजनेस को मिला है, वो कहाँ से पैसा काटा जाएगा, क्या बिजनेस हैंड टू हैंड लेगा पैसा कि 600 रुपये आप लेकर के आइए, नहीं, बिजनेस में ऑनर का जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, कैपिटल, तो यहीं से पैसा काट लिया जाएगा, यानी डेबिट कर दिया जाएगा, डेबिट क्रेडिट अभी नहीं कहेंगे, यहाँ से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्या बैंक वाला आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो क्या आपसे वो इंटरेस्ट मांगने आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ही है मान लो, तो आपसे मांगने आएगा, नहीं, आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा, काट लेगा, SMS चार्ज हो गया, बैंक चार्ज हो गया, किसी तरह का भी कोई भी चार्ज होगा तो वो आपके अकाउंट से काट लेता है। उस तरह से बिजनेस में भी ऑनर का कैपिटल अकाउंट है और वो पूछने नहीं जाएगा, क्या करेगा, आपके अकाउंट से ही काट लेगा पैसा। तो इनकम था तो एक बार प्लस, और कैपिटल से ही पैसा काटेगा इसलिए माइनस, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ये होगा आपका, ये इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। चलिए, न्यू इक्वेशन, क्योंकि एक और ट्रांजेक्शन है आपका, न्यू इक्वेशन, एक और ट्रांजेक्शन है आपका, कैश 39,600 प्लस 50,000 का मशीन प्लस 32,000 का स्टॉक, आउटसाइड लायबिलिटी जीरो हो गया क्योंकि तो पेमेंट हो गया, और एक पर प्लस एक पर माइनस बोलिए आपस में कट ही जाएगा, तो 121,600 का कैपिटल ही रहा, यही इफेक्ट पड़ेगा एक पर प्लस एक पर माइनस। आप बोलिएगा सर जब प्लस माइनस होकर कट ही गया तो दिखाने का ही ज़रूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी करिएगा आप, अकाउंटिंग में हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, भले ही एक बार प्लस एक बार माइनस होकर आपस में कट गया, लेकिन अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसका कोई प्रूफ रहे। अब जब ऑडिटिंग होगा मान लीजिए, या फिर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का समय आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस को मिला था या नहीं मिला था या क्या हुआ था, तो ये चीज़ आपको अकाउंटिंग में दिखाना ज़रूरी है, भले ही इसका कोई इफेक्ट पड़े या ना पड़े। प्लस माइनस होकर तो जीरो हो गया, लेकिन अकाउंटिंग में हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए तो हम अकाउंटिंग कर भी रहे हैं। अगर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखना रहता तो अकाउंटिंग इतना हम करते क्यों, इतना मेहनत क्यों करते हम, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ नंबर क्या कहता है ट्रांजेक्शन, कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000, लास्ट ट्रांजेक्शन आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000, देखिए मशीन डेप्रिसिएट किया है, तो जर्नल एंट्री तो छोड़ देंगे, तो जर्नल एंट्री उसका बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लेकिन वो तो अभी आप नहीं जानते हो, तो समझाते हैं क्या होता है आपका। जैसे आपका ही बाइसाइकिल है, आप साइकिल जो चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके घर पे कार होगा या फिर बिल्डिंग होगा, आपका घर होगा, तो वो सब क्या करता है कि वो सब बिजनेस का एसेट है, और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करता है, डेप्रिसिएट होता है, मतलब उसका वैल्यू कम होता है। तो किसका वैल्यू कम होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है। क्या एसेट आपका साइकिल जब आप चला रहे हो तो देखिएगा कि धीरे धीरे चेन खराब हो रहा है, स्पोक उसका खराब हो रहा है, है ना, हैंडल में जंग लग रहा है, उसका जो रिंग होता है वो सब कुछ खराब होता है, तो यानी आपका डेप्रिसिएट कर रहा है साइकिल, चाहे आप उसको चलाओ चाहे ना चलाओ, नेचुरल काउजेज भी होता है जिसके कारण डेप्रिसिएट होता है मशीन, है ना, धूप से उसका पेंट उखड़ेगा, मॉइस्चर से उसमें जंग लगेगा, तो ये सब कुछ होता रहता है, और डेप्रिसिएट आपका वैल्यू, मतलब जो एसेट है वो डेप्रिसिएट होता रहता है। तो अब डेप्रिसिएशन से किसका वैल्यू कम होता है, तो जाहिर सी बात है एसेट का वैल्यू कम होता है,
कोई कैश नहीं जाता है, एसेट का वैल्यू कम होता है। साइकिल चला रहे हो तो क्या वो डेप्रिसिएट तो कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसका क्या कोई कैश गिरता है? नहीं। तो डेप्रिसिएशन जो है आपका वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो क्या होगा, एसेट का तो वैल्यू कम होगा ही होगा। अल्टीमेटली एसेट का वैल्यू 50 था तो अब कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा, एसेट का वैल्यू गिरा। और एक्सपेंस है तो इससे क्या होगा, कैपिटल भी रिड्यूस करेगा, 5,000 रुपीज़ से कैपिटल भी आपका जो है वो घट जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस से तो कैपिटल भी घटेगा। आप कैपिटल में क्यों माइनस कर दिए, देखिए एक्सपेंस है आपका ना, तो एक्सपेंस से है तो हम डेप्रिसिएशन को पीएल में, पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जिससे प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो इससे कैपिटल भी कम होगा। ठीक है, चलो यही इफेक्ट पड़ा इसका, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनल इक्वेशन, कैश कितना है बिजनेस में, 39,600। अब मशीन कितने का रह गया, डेप्रिसिएट कर गया तो 45,000 का मशीन रह गया, स्टॉक रह गया आपका 32,000 का स्टॉक है, ये ज़ीरो हो गया और ये हो गया 116,600 रुपया, 116,600 इधर भी पूरा ऐड कर लो, 116,600 ही आपका आएगा। 39,600 प्लस 45,000 ये हो गया प्लस 32,000, तो 116,600 आ रहा है। बैलेंस शीट आप बना लेना, एसेट साइड में कैश मशीन स्टॉक, कैश 39,600, मशीन 45,000 एंड स्टॉक 32,000। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिख लेना आप, क्योंकि क्रेडिटर तो आपका है नहीं, तो आप यहां पर कैपिटल लिख लेना 116,600 रुपया, ये लिख लेना। चलिए बना करके हम आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। एसेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अब धीरे धीरे यहाँ पर सिर्फ आप लाइबिलिटी लिखिएगा क्योंकि कैपिटल भी आपका इंटरनल लाइबिलिटी होता है, तो ये लिख लो यहाँ पे कैश मशीन और स्टॉक। कैश हो गया 39,600, मशीन हो गया आपका 45,000 और स्टॉक हो गया आपका 32,000, टोटल हो गया 116,600 रुपया। और अब तो क्रेडिटर तो रहा नहीं, क्रेडिटर तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया क्रेडिटर, तो सिर्फ क्या रहा, कैपिटल रहा आपका 116,600 रुपया, 116,600 रुपये ये बनेगा बैलेंस शीट आपका। यहाँ पर रुपीस लिख लेना, दो क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पर। तो देखिए कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा उसका इफेक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ेगा, और हमेशा याद रखना कि एसेट जो है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के हमेशा हमेशा बराबर ही होगा, ये कभी भी डिसमैच आपका नहीं कर सकता है, है ना। देखिए आप ऐसे अगर सोचिएगा कि कोई भी बिजनेस में एसेट खरीदेंगे तो या तो खुद लगाएंगे या तो बाहर से लेंगे, है ना, यानी या तो अपना पैसा लगाएंगे, अपना लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर बाहर से लेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, और बिजनेस में क्या आएगा तो एसेट आएगा। अब चाहे वो एसेट किसी भी फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, मशीन के फॉर्म में हो, स्टॉक के फॉर्म में हो, फर्नीचर के फॉर्म में हो, कंप्यूटर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, एसेट इन्वेस्टमेंट प्लस होगा, और क्या दोगे आप इन्वेस्टमेंट में, क्या लगाओगे, कैश लगाओगे, तो कैश माइनस होगा। तो कभी भी आप कुछ भी आप दिमाग में अपने मन से भी सोच लो कि क्या आपको बिजनेस में क्या लगाना है और कैसे लगाना है, आप देखोगे कि हमेशा वो आपका बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, एसेट जो है हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।